शंकर जी से प्रश्न करती है। उनका प्रश्न है, जय श्री धर्मा। कहते आप तो कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, हर समय पार्वती शंकर जी से कथा सुनते रहते ना, हर समय कथा सुनते। पार्वती कहती है प्रभु आपसे तो हमें सब कथा सुनते रहते, क्यों जितने पुराण आप देखोगे जितने पुराण हैं सबके सब शंकर पार्वती की संवाद है, शंकर पार्वती का संवाद है। इसलिए पार्वती बोलती है प्रभु आपसे तो मैंने बहुत सारी कथा कब सुना है, लेकिन कभी कभी गौर हरि चैतन्य गौरांग महाप्रभु, कभी कभी आप ये नाम भी कभी कभी लिया करते हो, ये गौरांग कौन है और ये गौर हरि कौन है और ये महाप्रभु कौन है, कभी कभी आप बोलते रहते हो नाम। अभी ये प्रश्न सुन करके माता ये प्रश्न सुन करके शंकर जी बड़े प्रसन्न हो हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के शंकर जी पार्वती को आलिंगन किया, इसलिए तुमने इतने बढ़िया प्रश्न की हो, कति देवी कौन है कि देवी ये वैष्णवी देवी है, इसलिए भगवान की कहते राधा रानी की कृपा से ही ये देवी ही और कोई नहीं। कितना उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे अलग रूप में ये प्रकाशित हुए है, इसलिए बोले इसलिए तुमने इतने बढ़िया प्रश्न की हो चुके तुम राधा रानी की इसलिए तुमने इतने बढ़िया प्रश्न की श्रीमती राधा रानी की तुम प्रकाश हो। तब इसका उत्तर श्री शंकर जी प्रदान करते हैं, हैं? शंकर जी प्रदान करते हैं, हरे कृष्ण। अगर जो ठीक इसलिए जो प्रश्न करता है वो प्रश्न अगर भगवत संबंधी प्रश्न करता है फिर जो उत्तर देने वाले वैसे उत्तर देगा, अगर जो प्रश्न करने वाले अगर दुनियादारी की बात करते हैं ना फिर तो वक्ता को फिर दिमाग भी वैसे चलता है। इसलिए जब श्री सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न किया जो भगवत संबंधी प्रश्न जिसको सुन करके कहते सुत गोस्वामी को रोम रोम खिली उठा, बोले वाह तुमने कितने सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर में केवल हमें भगवत भगवान बहुत चर्चा तुमने प्रश्न किया, बोले बरियात कैसे थे प्रश्न तुम्हारे, जो प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, इसलिए वाह तुमने कितने सुंदर प्रश्न किया है, हैं? जिस प्रश्न का उत्तर में श्री महाप्रभु सुनाना पड़ेगा, हाँ महाप्रभु की कथा सुनाना पड़ेगा। तो महा शंकर जी पार्वती को आलिंगन करके बोले देखो जो उनका नाम है गौर हरि नाम क्यों पड़ा, गौर मतलब राधा रानी, गौरी हरि मतलब कृष्ण, ये कृष्ण ये श्री महाप्रभु का रूप धारण किया है, इसलिए कहते राधा कृष्ण विकृत शक्ति रस्मात देखात्मना भूविपुरा देहो भेदो गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकमाप्तम
राधा भाव दुति सुबोलितम नवमी कृष्ण स्वरूप, जिसको श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं, कहते महाप्रभु कौन है, हैं तत्व तो हो दो नहीं, तत्व तो हो एक है, लेकिन वो एक होकर के भी दो है और दो होकर के भी वो एक ही है। इसलिए कलयुग में राधा भाव दुति सबुलतम, कलयुग में कृष्ण ही राधा रानी का भाव अंग कांति को लेकर के श्री सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में आए हैं, इसलिए उनका नाम गौर हरि कहते हैं। उनका नाम चैतन्य है, बोले उनका नाम चैतन्य नाम क्यों पड़ा, कहते सृष्टि से पहले वो चेतनता रूप में केवल वही थे जगत में। इसलिए जिसको वेद कहता है एक एक अपि बहुश्याम है, वो एक ही थे, वो एक से बहु हुए, एक से वो बहु हुए द्वितीयम, वो एक ही है, तो जो एक स्वरूप में वो कौन है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु। जब वो दो हुए कृष्ण रूप में हुए तो पहले कौन हुए, पहले वो तो चैतन्य महाप्रभु है ना, इसलिए लेकिन प्रभु का लीला नित्य है, वो पहले महाप्रभु का रूप में थे, राधा कृष्ण हुए, इसका मतलब राधा कृष्ण थे नहीं, फिर राधा कृष्ण पर थे नहीं, ये वो एक तो हुए नहीं, कहते भगवान का लीला नित्य है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सर्व लीला शाश्वत, प्रभु भगवान की जितने अवतार है मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह, ये सब के सब लीला भगवान की ये नित्य है। तब इन्होंने श्री महाप्रभु की दया के ऊपर में उन्होंने बताया, महाप्रभु कितने बड़े दयालु कितने, मतलब एक समय श्री अनंत देव महाविष्णु के पास में गए, बोले हे प्रभु आपका आशीर्वाद से मैंने सारे धाम को मैंने दर्शन किया है, सारे धाम गए और भगवान का जो अनंत जो अवतार है सारे अवतार को मैंने दर्शन किया, लेकिन अभी तक मैं श्री वृंदावन धाम में अभी तक मैं नहीं जा पाया, इसलिए श्री वृंदावन धाम जाना चाहता हूँ। तो महाविष्णु कहते हैं देखो अनंत देव, अगर कोई व्यक्ति चाहे कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाए, ये क्या संभव है, कुत्ते का पूछ पकड़ कर कोई समुद्र पार हो सकता है, बोले नहीं, बोले उसी तरह तुम कहते हो वृंदावन धाम जाओगे, भैया वृंदावन धाम जाना इतना आसान बात नहीं है, वहाँ पर तो दिव्य धाम भगवान की दिव्य धाम है, कहते वृंदावन धाम कितने दुर्लभता है, वहाँ पर शंकर भी भगवान के रास दर्शन करने के लिए आए, लेकिन वहाँ गोपी रूप को धारण किए, कुंड में स्नान किया, गोपी रूप धारण किए, लेकिन गोपी रूप धारण करने पर भी वो प्रवेश नहीं कर पाए, उनको गोपियों ने चोटी पकड़ करके निकाल दिया कुंडे से, माँ लक्ष्मी अभी भी बैल वन में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, अभी तक भी गत वृंदावन में अभी तक भी प्रवेश नहीं कर पाए। उद्धव जैसे व्यक्ति वहाँ की त्रिणा गुल्म औसत लेना चाहते हैं, इसलिए अभी भी उद्धव जैसे व्यक्ति भी अभी गुल्मलता रूप में तपस्या कर रहे हैं उद्धव जी, ब्रह्मा जी वहाँ के तो पत्थर जन्म लेना चाहते, ब्रज में नहीं ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं, हाँ कहते वहाँ पर तो वो पत्थर जन्म लेना चाहते हैं ब्रह्मा जी, कहते जो दुर्लभ प्रेम है दुर्लभ वस्तु और तुम क्या चाह रहे हो, वृंदावन धाम में जाओ, इतने आसानी नहीं वृंदावन धाम में जाना, फिर प्रश्न होता है फिर क्या वृंदावन धाम जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, हाँ वृंदावन धाम जा सकते हो, कल एक उपाय अगर कोई गोपियों की अनुगत्य में कोई करे तभी वृंदावन धाम में जीव को प्रवेश होता है, लेकिन गोपियों का अनुगत्य भी इतना आसानी बात नहीं, इतने आसानी बात नहीं, जिनकी चरण की धूल उद्धव जी जिन चरण की धूल को दूर से केवल वंदना करते हैं, कद आशा महो चरण रेणु जुसा महंग श्यान वृंदावन किमपी गुलमलतो सतना, उद्धव जी कहते क्या मेरे से सौभाग्य होगा वृंदावन को गुलम लता औषधि वृक्ष रूप में जन्म ग्रहण करे, कद वहाँ पर घास क्यों बनना चाहते हैं, बोले जब कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे गोपियाँ हैं तब चलकर तो जाना ही पड़ेगा, चलकर के जाएंगे अगर हम घास बने तो सर में चरण धुली पड़ जाएगी, पहले वहाँ की लता क्यों,
बोले जो प्रमद मदन लीला कंदरे कंदर थे, जब कंदरा कंदरा में जब वो लीला करेंगे, फिर अगर हम लता बन कर रहेंगे तो उनका दर्शन मिल जाएगा। बोले वहाँ पर औषध वृक्ष क्यों बनना चाहते? बोले कभी तो बीमार पड़ेंगे, पड़ेंगे तो बीमार पड़कर जब दवा लेंगे बस औषध में, फिर उनके हृदय में मैं चला जाऊँगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति गुणमलता औषध वृक्ष रूप में जन्म, आप कह रहे हो वृंदावन धाम जाओ, गोपियों की अनुगत्य के बगैर वो लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन ये गोपियों की अनुगत्य भी इतना आसानी नहीं, इनकी आसानी नहीं, इसलिए सबके जितने गोस्वामी लोग हुए उनके चरण की धूल को ही सबके सब वंदना की। इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी से बता रहे, नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते, बोले पिताजी अब ये 60,000 इतने कठोर तपस्या क्यों किए, और किस लिए? गोपियों की चरण की धूल को पाने के लिए किए। तब श्री ब्रह्मा जी कहते, बोले बेटा जो गोपियाँ हैं ना, ये कोई लड़की नहीं स्त्री नहीं है, ये लड़कियाँ कोई, ये गोपियाँ कोई स्त्री लड़कियाँ नहीं। बोले ये कौन है? बोले ये सब का सब आनंद चिन्मय रस की प्रतिभाविता मूर्ति है, हैं आनंद चिन्मय रस की एक एक मूर्ति स्वरूप श्री हैं, केवल इनके अनुगत्य में जा सकता हूँ। बोले इनके अनुगत्य भी इतना आसानी बात नहीं, तो वृंदावन धाम तो हम जा नहीं सकते कभी। बोले हाँ, उससे एक सरल उपाय। बोले क्या है? बोले वही वृंदावन धाम का प्रेम को देने के लिए, प्रवेश को देने के लिए कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं, नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं। अगर कोई श्री नवद्वीप वहाँ परिक्रमा लगाए, भक्त के अनुगत्य में वहाँ पर भगवान के लीला स्थलियों में जा जा करके वहाँ पर प्रणाम करके वहाँ का धूल को लगाए, इसको भक्ति में ठाकुर कहते हैं, बोले गौर अमार जे सब स्थान मन रंगे, से सब स्थान हरि प्रणय भकत सांगे, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन आनो बोला। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं गौरव अमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंग, उन्हें जो जो स्थान पर उन्होंने लीला की है वो सब स्थान को हमें जाननी चाहिए। बोले कैसे जाननी चाहिए? बोले प्रणय भक्त संग, जो भगवान की जो प्रेमी की उनकी अनुगत्य में ही ये धाम को दर्शन की कृपा होगी। और जब श्री नवद्वीप धाम में जब कोई गुरुदेव कहते हैं, हैं अगर वहाँ पर निर्दया घाट है नवद्वीप धाम में, अगर कोई गोता लगाएगा ना, लेकिन जब वो निकलेगा वो कैसी घाट में, हैं कृष्ण धाम में कैसी घाट में वो निकलेगा, मतलब महाप्रभु का प्रेम गोता लगाए महाप्रभु का। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरव प्रेम रसार नवे तरंगे जे बाढ़ोगे से राधा मधवंत रंग। इसलिए गौरव प्रेम रसार नवे, महाप्रभु रूपी प्रेम रस रूपी जो समुद्र है, अगर उसमें कोई होगा से राधा माधव अंतर, वो अपने आप राधा कृष्ण के अंतरंग सेवा में वो अपने आप प्रकाशित हो जाते अपने आप। इसलिए बोले देखो आनंद देखो, मना चाहते हो क्या करो, श्री नवद्वीप धाम में चलो, महाप्रभु का श्री नवद्वीप धाम में चलो, वहां पर परिक्रमा लगाओ भक्तों को साथ में, निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई। बस जाकर के वहां पर महाप्रभु का नाम लो, बस अपने आप तुम्हें अपने आप वृंदावन धाम में तुम्हारी प्रवेश हो जाएगा आसानी से, हैं आसानी से प्रवेश हो जाएगी। अगर राधा कृष्ण का अगर प्रेम भक्ति तुम्हें मिल गया, आप समझो जीवन तुम्हारी धन्य हो गया, जीवन तुम्हारी धन्य हो गया।
इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद, हाँ यहाँ प्रभुपाद यहाँ उत्तर देते हैं। महाप्रभु का जो भक्त लोक है, कहते इन लोग का किया है, जीवों को है, कहते ऐसे दया कभी हुए नहीं, कभी होएंगे नहीं। इसलिए श्री भक्तवन ठाकुर कीर्तन करते हैं, भले मन बिना नाही नार है न अवतार, हवे की होए छे है न प्रेम परचार, अति अति तपासंडी प्राणे न मारिल कारे हृदय शोधिल जाचगी घरे। इसलिए श्री यहाँ पर कौन कह रही भजन किसका है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ये लोचन दास ठाकुर आ रहे हैं। कहते मन गौरांग बिना नहीं, मतलब महाप्रभु का जगत में और कोई नहीं। कहते है ना अवतार हवे की होए छे, तुमने कभी ऐसे अवतार को देखा है, कभी हुए कभी होएंगे हैं? बोले क्या, बोले पतित पाषंडी है, जिनका मति अत्यंत अत्यंत गंदा मति आदमी को, बोले प्राणे नाम आरिल करना तो कृष्ण की भजन करो। अगर जीवन में कुछ शिक्षा पाना चाहते हो में शिक्षा रूप में ग्रहण करो, बस अपना जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगा, जीवन हमारी धन्य हो जाएगा। जैसे रामचंद्र भिक्षा मांगने के लिए गए, भगवान राम को भी दरवाजा दरवाजे पर गए भिक्षा मांगने के लिए गए कभी? कृष्णा कृष्णा आए कभी दरवाजा दरवाजे पर गए कभी संन्यास लिया माखन चुराने के लिए? इसलिए लेकिन महाप्रभु ने उन्होंने दरवाजा दरवाजा पर गए भिक्षा मांगे, किस चीज की भिक्षा है, बोला हमारी किनिया लह बोलो गौरव हरि, श्री महाप्रभु का नाम लो नित्यानंद प्रभु, दरवाजा दरवाजा पर गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तन बोले नाचरे अमार मन एवं निताई चैतन्य, बोले नाचरे अमार मन नाचरे अमार मन नाचरे अमार मन हे मन दे मार खे प्रेम दे अपराधे दूर जावे प्रेम धन दयाल निताई चैतन्य, बोले नाचरे अमार मन। इसलिए कहते मेरा जो मन है किसका नाम को लेकर के नाच उठे, बोले दयाल निताई चैतन्य, बोले नाचरे अमार मन, हमारा मन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम लेकर के नाच उठे। बोले क्यों, बोले ऐसे दयालु कभी देखे हो जो मार खा कर भी प्रेम दिया, दूसरे दूसरे अवतार तो मार ही डाले हैं, कोई उल्टा पुल्टा किया लेकिन वहां किसी ने उल्टा सुल्टा कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो सर भी फोड़ दिए, सर भी फोड़ दिए। और महाप्रभु को तो बोले हैं हमके क्या समझता है, हैं ये महाप्रभु हमको उल्टा पुल्टा, हमने बोला तुम गोपी को कृष्ण बोल, हम जब महाप्रभु एक दिन गोपी 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 बोल रहे थे तब कुछ पढ़ुआ ने बोले भैया कृष्ण बोलना, बोले वो धूर तो कृष्ण काले कृष्ण, क्योंकि राधा रानी के भाव में विवाह भी तो महाप्रभु थे हैं, मैंने जिनके लिए मैंने जीवन सर्वस्व राधा जी के भाव में जिनके लिए मैंने मान प्राण में संपूर्ण मैंने दे दिया, उसने क्या किया हैं, उसने हमें छोड़ करके और चले गए द्वारका मथुरा चले गए, ऐसे काले का हम नाम लेना नहीं चाहते। अब बोलते वो कृष्ण का नाम तो ले, उठाया डंडा और मारने के लिए दौड़े, लेकिन उधर राधा जी का भाव में थे इसलिए उनकी भाव को वो समझ नहीं पाए, उनके भाव को समझ नहीं पाए उनके भाव को हैं। इसलिए कहते महाप्रभु बोले निमाई को हम देख ले,
देख लेंगे वो क्या हमें समझ रखा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो महाप्रभु जो जिनकी निंदा किए, जिनको मारने के लिए कोशिश किए, जिनकी सर पर दिए, इन्होंने क्या किया, उनको प्रेम प्रदान किया। और उनको कोई छोटे मोटे प्रेम प्रदान नहीं किया, कहते ब्रह्मा वीर चिर बांछित जे प्रेम जगते फैली लाली कंगाल पाया खाइल नाचिया बाजाया कर। इसलिए यहाँ पर श्री लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि तुमने क्या दिया, बोले ब्रह्मा हैं शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए कठोर तपस्या किए हैं, कठोर तपस्या किए, लेकिन उन्होंने बोले भैया कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हाथ में ताली बजाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बलबा। इससे ही वो दुर्लभ प्रेम दे देंगे। इसलिए कलयुग में हैं, कलयुग में कहते स्वर्ग के देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते, जन्म लेना चाहते हैं, बोले कहाँ पर, भारत में, और महाप्रभु की धारा में, उनको सबके सब महाप्रभु की धारा में हैं, उसी धारा में हैं आना चाहते हैं। कहते सत्य युग को बताया कृत युग है, कृत युग मतलब धर्मचार्य चरण में था, वहाँ पर सबके सबका जीवन कृत था, कृत कृत था हैं, जिनका धन्य जीवन था हैं, लेकिन जन्म लेना चाहते हैं। तृतीय युग में कहते राम राज्य है, राम राज्य कहते राम राज्य मतलब आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख कष्ट नहीं था, अब नहीं होता था, लेकिन ऐसे भी है, ऐसे भी में हैं जन्म लेना चाहते। तृतीय द्वापर युग में कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म रूप में आए हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन, उस समय भी धर्मचार्य चरण में धर्म रहता था, चार चरण था, सत्य युग में भी चार चरण था सबके सब, लेकिन उसी युग का लोग ये कलि युग में जन्म लेकर के महाप्रभु अंतर्भुक्त होना चाहते हैं। बोला क्यों, बोले कलि युग में साधन ज्यादा करने का जरूरत, हजार हजार साल तक बिना खाए पिए बैठ कर कठोर साधन, कलि युग में ज्यादा साधन नहीं, थोड़ी सी भगवान का नाम जप कर, भगवान की थोड़ी सी ठाकुर जी का नाम जप करते ही वो दुर्लभ प्रेम को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप लोग सब पूर्व जन्म में सब बड़े बड़े देवता थे, बड़े बड़े देवता ने सत्य तृतीय युग में जन्म हुए हो, लेकिन कलयुग में महाप्रभु धारा में ये भागवत कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कहते कलयुग में ये सबके सब महाप्रभु धारा में आना चाह आकर के भक्ति करके दुर्लभ प्रेम को पाना चाहते, इसलिए सब आप लोग से बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सबके सब महाप्रभु धारा में आए हो ये भागवत। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो महाप्रभु का भक्तों ने जो प्रेम दिया है, जैसे श्री रूप गोस्वामी जिस धारा को दिया है, रघुनाथ दास गोस्वामी जिस धारा को दिया है, उन्होंने क्या लिखे, कहते बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ लिखे, बिलाप मतलब होता है रोना, कुसुम मतलब होता है फूल, अंजलि मतलब हाथ, जैसे ठाकुर के चरण में हमें एक एक फूल देते हैं ना, तो उन्होंने एक एक श्लोक को भी एक एक फूल रूप में राधा रानी के चरण में उन्होंने अर्पण किया है, राधा जी के चरण में उन्होंने अर्पण किया है। और अब अर्पण करते हुए वो जो बिलाप कुसुमांजलि जो ग्रंथ है रूपानुग है,
रूपानुग श्री रूप गोस्वामी अनुगत्य में जो भजन कर रहे हैं, हम लोगों ने जो महाप्रभु की धारा में हम आए हैं, महाप्रभु की धारा में आए, रूप गोस्वामी की धारा में, धारा में आए, चीज है क्या चीज जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिंचरा, जो प्रेम दिए थे लेकिन ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों पहले जो प्रेम दिए थे उसको बाद में उन्होंने जो प्रेम दिया है, प्रेम है क्या चीज, प्रेम किया, इसलिए उन्होंने इसी ग्रंथ में उन्होंने हम कहते ये रूपानुग सर्वश्रेष्ठ रूपानुग वर्ज है, रूपानुग में ये सर्वश्रेष्ठ रूपानुग है रघुनाथ दास गोस्वामी, इसलिए उन्होंने उसी ग्रंथ में महापुरुष जगत में किस दुर्लभ प्रेम को, जिस राधा रानी की निकुंज का प्रेम को कैसे दिए, जिस लीला में ललिता विशाखा भी जिस लीला में प्रवेश करने के लिए संकोच, ये लोग आसानी से प्रवेश करके राधा कृष्ण की निकुंज सेवा की, अच्छे तरह से सेवा करते हैं। कहते ये इस प्रेम को दिया किसने, कहते श्री महाप्रभु का भक्तों ने दिया सब प्रेम को, जीव गोस्वामी ने साठ संदर्भ लिखे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्हें तो चैतन्य चरितामृत लिखे जिसमें राय रामानंद संवाद, अद्भुत राय रामानंद संवाद, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जीव का सर्वश्रेष्ठ साध्य किया है, साध्य तो बहुत कुछ है लेकिन जीव का सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या वस्तु है, इन्होंने राय रामानंद संवाद ग्रंथ में उन्होंने ये बात को उन्होंने बताया। रूप गोस्वामी को महाप्रभु माध्यम करते हुए जो रूप शिक्षा प्रदान किया अद्भुत रूप में, श्री सनातन गोस्वामी वो अद्भुत शिक्षा दिया है, और महाप्रभु ने इन्हीं भक्तों के माध्यम से जगत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रेम की वस्तु प्रदान की, इसलिए कहते हैं महाप्रभु का भक्त लोगों ने जो दिया कभी होगा नहीं, कभी होएगा भी नहीं, इस चीज कभी होगा नहीं। अन्य अन्य उपकारेर प्रस्ताव बा छलना उपकारेर नामे महा अपकार, कहते जो अन्य अन्य जो लोग उपकार करते हैं, जैसे कोई कपड़ा लता दे दिया, कोई थोड़ा मेडिसिन दे दिया, कोई थोड़ा स्कूल कॉलेज खोल दिया, कहते ये दया दया तो है लेकिन यह प्रभुपाद कह रहे हैं जो उपकार का जो प्रस्ताव है, कहते वो क्या है, कहते झूठा है, छलना छलना उपकार है ना, में कहते महा अपकार, वो उपकार नहीं वो अपकार है, जैसे किसी व्यक्ति को है हमने पानी दे दिया, कुछ ब्रेड बटर बटर कुछ दे दिया, हम सोचे हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, वो व्यक्ति को हमने ये सब चीज दे दिया, और एक चीज समझा, एक व्यक्ति खाना इसको क्यों नहीं मिल रहा है, दुख कष्ट क्यों भोग कर रहा है, उसको ये प्रारब्ध पूर्व जन्म का इसका ये प्रारब्ध अपराध है, उसने ऐसे अच्छा कोई कर्म किया नहीं तभी तो इसी जीवन में भूखे मर रहा है, भूखे मर रहा है, हमने क्या किया उसको रोटी सब्जी बा उसको कुछ चीज को दान दिया, लेकिन जब दान दिया वो बेचे कर रहा है, क्यों पूर्व जन्म में हमने जब उसको कोई चीज दिया उसको जो थोड़ी बहुत पुण्य था ना उसको भी हमने छीन लिया कि नहीं बता, ऐसे तो कोई दे देते नहीं, पुण्य मिलेगा मतलब उसका जो थोड़ी बहुत पुण्य था ना पुण्य को अपने छीन लिया उसको, मतलब और भी ज्यादा गड्ढे में उसको ढकेल दिया, उसको पुण्य को फिर तुमने छीन लिया उसको पुण्य को, समझ गए कि नहीं ये चीज, जो थोड़ी बहुत था उसको तुमने छीन लिया उसको गड्ढे में और डाल दिए, इसलिए महाप्रभु कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर तो भोग लाकर के तो खाने से उसको सुकृति बढ़ेगी, उसको पुण्य घटेगा नहीं, उसका सुकृति बढ़ेगी, भगवान का प्रसाद से सुकृति बढ़ेगी, धीरे 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 भक्ति लाइन में फिर वो आ सकता है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जगत में जो जितने दया है ना सब छलना दया, वो उपकार नहीं वो सब के सब अपकार है, अपकार है,
उपकार नाम अपकार, और महाप्रभु वो महाप्रभु भक्तगण उपकार परम उपकार। लेकिन महाप्रभु और महाप्रभु का जो भक्त लोग है कहते ये लोग जो उपकार करते हैं ये वास्तव रूप में उपकार है। इसलिए क्या कहती है, बोले तब कथा अमृत अप्त जीवना पीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भो विघ्नमूर्ति ते भो। हमारे श्री वृद्धि होने वाले, हमारे होने वाले, इसलिए जो भगवान